students, my name is Vanita Patel and I am working as a teacher in Lord Krishna International School. तो आज हम हिंदी विषय के बारे में पढ़ेंगे, जो कक्षा 7 का प्रथम काव्य है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ठीक है, हिंदी विषय के बारे में कौन सी कक्षा में पढ़ेंगे? 7th कक्षा में प्रथम जो काव्य है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के, ये कविता के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कविता का टाइटल जो दिया है, शीर्षक जो दिया है, तो वो क्या है वो हम समझेंगे। हम पंछी मतलब जो बर्ड्स होते हैं वो, ठीक है, उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, ठीक है, जो खुला आजाद होता है, खुला खुला। उन्मुक्त मतलब खुला हुआ, गगन यानी आकाश, मतलब हम पंखी किस लिए बने हैं? खुले आकाश के लिए बने हैं, खुले आकाश में उड़ने के लिए बने हैं। ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, मतलब हम पंछी खुले आकाश के। हम पंछी जो पंख दिए हैं ईश्वर ने हमें, भगवान ने, तो वो पंख का यूज कब करना है? खुले आकाश में उड़ने के लिए करना है। और ये जो कविता है उसके कवि कौन है? ये तो इस कविता के कवि है शिव मंगल सिंह। ठीक है, शिव मंगल सिंह इसके कवि है। तो ये कवि का जन्म कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है, ये सब हम देखेंगे। तो ये कवि का जन्म हुआ है 5 अगस्त 1915 में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? 5 अगस्त 1915। और ये जब जन्म हुआ उसके बाद कहाँ, कौन से गांव में हुआ, कौन से जिले में हुआ? तो इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में जगतपुर गांव में हुआ है। तो बच्चों, आपको एग्जाम में ऐसा कभी पूछा जाए, कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए कि शिव मंगल सिंह का जन्म कहाँ हुआ है, कौन से गांव में, आपको 3 ऑप्शन देते हैं। तो हम जगरपुर दिया है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन में कुछ अलग गांव का नाम दिया है गोरखपुर दिया है, तीसरे गांव का नाम दिया है राजपुर। तो आपको सही आंसर चुन के उसका आंसर लिखना है कि जगरपुर। ठीक है, तो ये शिव मंगल सिंह का जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के जगरपुर गाँव में। ठीक है, तो फिर ये जो शिव मंगल सिंह है उनको एक उपनाम से बुलाया जाता था, तो वो उपनाम क्या है? सुमन। सुमन नाम के उपनाम से उनको जाना जाता था। और ये फिर शिव मंगल सिंह की देहांत कब हुई? 27 नवंबर 2002 को उसकी देहांत हो गई। उनकी देहांत कब हुई? 27 नवंबर 2002। इनकी देहांत हुई तब अपने भारत जिले के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो वो इनकी देहांत के बाद क्या मस्त सेंटेंस उन्होंने बोला था कि अगर ये चले गए हैं जो हमारे कवि है वो, तो उनकी याद में अपनी विरासत को छोड़ गए हैं। ठीक है, विरासत मतलब वो उतने फेमस हो चुके थे ताकि अपने देश के प्रधानमंत्री भी उसकी तारीफ कर रहे थे। ठीक है, तो हम पहले अभी जाएंगे इस कविता के बारे में। तो मैं यहाँ पे कविता को रीड कर रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर मत न उड़ा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहुत जलने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भरी है कटु निगोरी कनक कटोरी की मैदा से, स्वर्ण सुखला है बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं करु की कुंडी पर के झूले, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुपते तारक अनार के दाने, नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये कविता समझने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं। आपने सबने बचपन में बहुत सारी शैतानियां की होगी, किसी ने बहुत बदमाशी वाली शैतानी की होगी, किए ना बच्चों? और वो शैतानी का क्या रिजल्ट हुआ होगा, क्या पनिशमेंट मिली होगी? तो मम्मी ने डांट कर कोई रूम में बंद कर दिया होगा, लॉक कर दिया होगा, या फिर मम्मी ज्यादा गुस्सा होगी तो एक बाथरूम में जाके बंद कर दिया होगा, है ना? ऐसा आपकी शैतानी का पनिशमेंट मिला होगा आपको, कोई रूम में जाके लॉक किया है या कोई बाथरूम में जाके आपको बंद कर दिया है। फिर आपको थोड़ी देर के बाद मम्मा ने निकाल भी दिया होगा, क्योंकि मम्मा तो हमसे बहुत प्यार करती है, वो ज्यादा देर तक हमें लॉक रख सकती नहीं है। तो यहाँ पे
जब हमने लॉक किया है एक कमरे के अंदर, हमें सारी सुख सुविधाएं मिल रही है, ठीक है, खाने में भी अच्छा अच्छा मिल रहा है, सोने के लिए अच्छा मिल रहा है, ठीक है, खेलने के लिए खिलौने भी है वो रूम में, लेकिन क्या नहीं है, अपनी आज़ादी नहीं है, अपनी स्वतंत्रता नहीं है, हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है, तो हमें कितनी भी सारी सुख सुविधाएं मिलती है, लग्जरीज मिलती है, लेकिन हमें अपनी आज़ादी नहीं मिलती है, तो हमें वो रूम जो कैसा लगेगा, एक घुटन जैसा लगेगा कि हम बंद कमरे में कैद हैं, होता है ना, कि हमें अच्छा फीलिंग नहीं आता है, हमें अच्छा महसूस नहीं होता है कि जहाँ हम बाहर की दुनिया को देखें, बाहर की खुली हवा को महसूस करें, ठीक है, तो हमें एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। उसी तरह यहाँ पे एक पंखी की व्यथा कही गई है, पंछी कि उनको ईश्वर ने पंख दिए हैं खुले आकाश में उड़ने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंसान क्या करते हैं, बेचारे पंखियों को पिंजर में कैद करके रखते हैं और पिंजर को बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना भी देते हैं, सोने की कटोरी में खाना देते हैं, सोने की कटोरी में पानी भी देते हैं, ठीक है, उनकी पूरी जो पिंजर है वो भी सोने का बना हुआ होता है, लेकिन पंछी को वो सब पसंद नहीं, उसको ये सारी सुविधाएं पसंद है नहीं, उसको तो क्या चाहिए, उसे खुले आकाश में उड़ना पसंद है, भले भी उसे कड़वी निगोड़ी ही क्यों ना खानी पड़े या फिर नदी का बहता हुआ जल भी क्यों सगर से पीना ना पड़े, लेकिन उसको ज़्यादा क्या पसंद है, उसकी स्वतंत्रता पसंद है, उसकी आज़ादी उसे ज़्यादा पसंद है। हमें भी कभी ऐसा लगता है कि कोई हमें बार बार बोलता है कि तुम्हें ये नहीं करना है, वो नहीं करना, हमारी बोलने की आज़ादी भी कोई छीन लेता है, हम जो करें उसको भी इग्नोर करते हैं, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते हो, तो हमें क्या होता है, अच्छा लगता है, ज़रा भी नहीं अच्छा लगता। तो हम जैसे इंसान को भी स्वतंत्रता पसंद है, आज़ादी पसंद है, उसी तरह पक्षियों को भी उनकी आज़ादी सबसे प्यारी लगती है। तो यहाँ पे हम जाएंगे अभी पैराग्राफ, हम पंछी उन्मुक्त गगन के इज्जत बदना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर उनकी पंख टूट जाए। अभी जो पंखी है वो खुले आकाश में उड़ने वाले हैं, वो क्या बोल रहे हैं पंखी कि पिंजर बंद ना गा पाएंगे, हमें ऐसा पिंजरा जो है, ठीक है, कैसा होता है पिंजरा, किस तरह का होता है, तो ऐसे पिंजरे में हमें बंद करके रखोगे तो क्या होगा कि ये जो उसकी सलाखें हैं पिंजरों के, वहां से हमारे पंख टकरा टकरा कर क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर, जो सोने की तीलियां हैं मतलब ये जो उसकी सरिया है, तो वो क्या होगी, सोने की भी भले क्यों ना हो, लेकिन हमारे जो पंख पुलकित पंख मतलब आनंदित पंख जो है एकदम हमें आनंद देने वाले, पुलकित मतलब आनंद देने वाले, उनके पंख क्या है एकदम से आनंद देने वाले, जब आकाश में उड़ते हैं तो उनको एकदम खुशी होती है, आनंद होता है, तो वो पंख जो हमारे हैं वो टूट जाएंगे, बार बार वो जाली से टकराएंगे तो क्या होगा, ये पंख टूट जाएंगे। फिर दूसरे पैराग्राफ में बताएं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटु पिबोली कनक कटोरी की मैदा से। अभी जो ये पंखी है उनको क्या पसंद है, बहता जल पीना पसंद, भले ही आप कटोरी में जल रखते हैं लेकिन वो बहता जल मतलब खुला हुआ जल एकदम नेचुरल एटमोस्फियर में वो पानी पीना चाहते हैं, ठीक है, वो कभी भी खुले मैदान में उड़ते रहते हैं, आकाश में उड़ते रहते हैं, पेड़ पौधों पे ये पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते रहते हैं, तो उनको क्या पसंद है, आज़ादी पसंद, बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, हमें ऐसे बंद करके रखोगे तो क्या होगा, हम ऐसे ही भूखे प्यासे मर जाएंगे, कहीं बली है कटु निगोरी कनक कटोरी की मैदा से, कनक यानी सोने की, मुझे वो जो नीम के पेड़ पे निगोरी होती है जो कड़वी, नीम की फल को क्या बोलते हैं, निगोरी बोलते हैं, ठीक है, जो एकदम ग्रीन कलर की छोटी छोटी होती है, तो वो कड़वी निगोरी खाने के लिए चलेगा, लेकिन हमें सोने की कटोरी में जो आप पानी दे रहे हो, सोने की कटोरी में जो मैदे की मतलब कोई आइटम दे रहे हो, दाने दे रहे हो, वो उसे पसंद, उसको खुले आकाश में उड़ते उड़ते अपना पानी भी ढूंढना पसंद है और कड़क मतलब कड़वी निगोरी भी खाना पसंद है, लेकिन उसको ऐसी सुख सुविधाएं चाहिए नहीं, क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने पंखों से उड़कर खुद खाना ढूंढना चाहता है, खुद पानी ढूंढना चाहता है और ऐसे ही अपने साथ मजा करना चाहता है।
बंदर में अपनी गति उड़ान सब हुए, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फूंगी पर के झूले। अभी श्रम शुंगला के बंदर, अभी ये जो पिंजर जो है सोने का स्वर्ण मतलब सोने के, तो वो पूरी उसके बंधन में रहना नहीं चाहते बंदी। क्यों? क्योंकि तो उनकी सारी इच्छाएं है वो मर जाती है, उनकी जो सारी मनोकामनाएं है अरमान है जो जो सारे अरमान पूरे होते नहीं है। अपनी गति उड़ान सब बोले, पिंजरे में बंद के बंद रहोगे तो वो बेचारा पक्षी अपना उड़ान भी भूल जाएगा कि अब कौन सी गति से वो उड़ रहा है, उड़ना भी वो भूल जाएगा। हमें भी ऐसे होते हैं ना कभी कभी, हम स्कूल बहुत दिन से नहीं जाते हैं, कुछ राइटिंग वर्क नहीं किया है तो हम भी लिखने का भूल जाते हैं, मतलब अपने हैंड राइटिंग चेंज हो जाते हैं, गंदे निकलने लगते हैं, फिर कोई काम बहुत दिनों से साइकिल नहीं चलाई होती तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाइसिकल चलाने में भी हमें दिक्कत होती कि मैं भूल गया कि क्या है ना। तो फिर इसी तरह पंखी को भी ऐसा होता है, मुझे सोने के पिंजरे में बंद रखा है तो मैं अपनी गति और उड़ना भी भूल जाऊँगा, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुंगी पर के झूले। बस वो अभी जो तरु की फुंगी मतलब पेड़ पौधों की जो शाखाएं हैं वहाँ पे झूला झूलते हैं, जैसे पवन की लहरें आती है तो वो लहरों से जो पवन की लहरों से वो जो डाल और शाखाएं जो झूलते रहते हैं उन पे पंखी बैठते हैं तो कैसे लगता है उनको, एकदम झूले जैसा लगता है। तो वो सोचते कि हम ये पवन की लहरों से वो जो तरु की शाखाएं जो लहराती है और हम झूला झूलते वो तो बस सपनों में ही हमने देखा है, अभी रियलिटी में तो ऐसे पिंजरे में देखने मिलता नहीं है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पार, लाल किरण सी चोंच खोल चुपते तारे बना दिया। अभी बहुत सारे अरमान थे, उनकी ख्वाहिशें थी कि हम ऐसे आकाश में उड़ेंगे, नीले नभ की सीमा को पार, मतलब आकाश की जो दूर दूर तक की सीमा है वहाँ हम छूने जाते, ठीक है। लाल किरण से चोंच खोल चुपते तारक अनार के दाने, मतलब उनकी चोंच लाल कलर की है, मतलब उसको कैसे सब कंपेयर किया है, जो सूरज की किरणें आती है लाल कलर में उसके जैसी वो पंछी की चोंच है। और वो आसमान में उड़ते उड़ते दूर तक जाते वो क्या करते, चुपते तारक अनार के दाने, तारक यानी स्टार, ठीक है, जो तारे होते हैं आकाश में उनको किसके साथ कंपेयर किया है, अनार के दाने के साथ। जैसे अनार का दाना छोटे होते हम यहाँ से देखते हैं तारों को तो कितने छोटे छोटे दिखते हैं, तो क्या बोल रहा है पक्षी से, वो तो अरमान ही रहे, देखो ख्वाहिश ही रहेगी कि हम खुले आकाश में दूर दूर तक जाते और अपनी चोंच में वो तारों चोंच खोलकर जो आकाश के तारे हैं उसका हम खाते, अपने मुँह में अपनी चोंच में लेते, ठीक है। नीड न दो चाहे तंगी का आश्रय छिन्न बीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आपको उड़ान में बिखर न डालो। वो पंछी क्या बोल रहे हैं, ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं अच्छे से उड़ने के लिए, हमारी एक पंख ही ऐसी जो चीज़ है जिससे हम खुले आकाश में उड़ सकते हैं, तो वो चाहे हमारा घोंसला भी तोड़ दो, नीड मतलब घोंसला, जो पेड़ पे हमने घोंसला बनाया है वो तोड़ डालो, चाहे टहनी दे दो आश्रय छिन्न में मतलब जो पेड़ पौधे उनको भी काट डालो, लेकिन क्या मत करो, पंख दिए हैं तो आपको उड़ान में विघ्न मत डालो। ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में आप कोई विघ्न मत डालो, हमें आसानी से आकाश में स्वतंत्रता से उड़ने दो, आसानी से हमारी उड़ान को मत बिखेरो, हमारी उड़ान में विघ्न मत डालो। तो ये एक कविता है पंछी की, तो मैं अभी पूरे कविता का सार बोलूंगी जो आप अच्छे से सुनोगे। ये कविता में क्या दिया है, एक पंछी की व्यथा बताई है कि वो एक पंछी जो है वो पिंजरे में बंद है, वो पिंजरे में बंद है तो वो नहीं गाना गा सकता है और अपने पिंजरे में टकरा टकरा कर उसके जो पंख है वो भी टूट जाते हैं। फिर क्या होता है, वो बहता जल पीने वाले होते हैं, अगर पिंजरा भी भले सोने का क्यों ना हो या फिर उसके पिंजरे के अंदर जो कटोरी है वो उसमें खाना भी, सोने की कटोरी में खाना भी डालोगे तो भी उसको पसंद नहीं है, या फिर सोने की कटोरी में पानी भी दोगे तो उसको बिल्कुल भी पसंद आएगा नहीं, उसे तो क्या पसंद है, भले ही उसको नीम की निगोरी खानी पड़े तो वो उसको अच्छा लगेगा। अभी क्या होता है कि हम सब अपनी वो पिंजरे में कैद है तो उड़ान और गति सारा भूल गए हैं और बस सपनों में ही देख रहे हैं कि जब तरु यानी ग्रुप
शाखाओं पे उड़ना जो के जैसे झूला झूलते हैं पवन की हवा से, तो वो झूला हमने सपनों में ही देखा है। ऐसे थे अरमान की मिले मत की सीमा, अभी वो ख्वाहिश ही रहेगी कि हम आकाश में उड़ते दूर तक आकाश की सीमा पे जाए, गगन की सीमा पे पहुंच के जो तारे हैं वो अपनी चोंच खोलकर वो तारों को अपने मुंह में ले सकते। वो पंछी क्या बोल रहे कि हमें चाहे घोंसला ना दो, हमें भीड़ ना दो, ठीक है, लेकिन पंख दिए हैं तो हमें आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो, मतलब हमारे विघ्न पंख उड़ने के लिए दिए हैं, तो भगवान ने हमारे पंख को ऐसे ही उड़ान के लिए छोड़ दो, हमें कोई आज़ादी के बीच में विघ्न मत डालो, हमें आकाश में उड़ने, ठीक है। यह हुआ कविता का भावार्थ। अभी हम जाएंगे कविता के क्वेश्चन आंसर्स पर और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।